महाशिवरात्रि पर महाकालेश्वर के दर्शन करने भक्तों का सैलाब उमड़ा। तड़के 3 बजे महाकाल मंदिर के पट खोले गए और भस्म आरती हुई। इसमें श्रद्धालु शामिल हुए। इसके बाद दर्शन का दौर शुरू हुआ। दोपहर करीब 12 बजे तक ही श्रद्धालुओं की संख्या 2 लाख के पार पहुंच गई। धर्मनगरी उज्जैन में महाशिवरात्रि पर भक्तों का हुजूम उमड़ा। महाकाल के दर्शन के लिए लाखों लोग पहुंचे। अधिकांश भक्त एक दिन पहले ही उज्जैन पहुंच चुके थे। तड़के 3 बजे महाकाल मंदिर के पट खोले गए। इसके बाद भस्म आरती हुई। भस्म आरती में पुजारियों ने महाकाल को जल चढ़ाया। इसके बाद पंचामृत अभिषेक पूजन हुआ। फलों के रस से भी अभिषेक किया गया। भांग से श्रृंगार किया। सुबह 5:30 बजे से आम भक्तों के लिए दर्शन शुरू हुए। इधर पट खुलते ही 4 धाम मंदिर पर श्रद्धालुओं में भगदड़ मच गई। पुलिस के मेटल डिटेक्टर और कुछ बैरिकेड्स गिर गए। हालांकि कुछ देर तक ही यह स्थिति रही और मौके पर मौजूद पुलिस ने स्थिति को नियंत्रित किया। दर्शन शुरू होने के बाद भक्तों की भीड़ बढ़ती रही और दोपहर करीब 12 बजे तक 2 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। देर रात तक दर्शन होंगे और 2 मार्च को रात्रि शयन आरती होने के बाद पट बंद।